देखो, आप लोगों ने पिछले 4 से 5 दिन हो चुके हैं गेम के अंदर डेंसो शॉप में सकुरा बंडल तो देखा होगा, मगर आप लोगों को ये अभी तक बिल्कुल किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया कि ये टोकन्स आप लोगों को कैसे मिलेंगे, ये टोकन है किस चीज़ के, और ये बंडल आप इस शॉप से किस तरह से क्लेम कर सकते हो, आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया। पर आज की वीडियो में आप लोग को 100% कन्फर्म ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए वीडियो रहेगी। और अगर कहीं पर भी आप लोग को लगे कि वीडियो के अंदर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो हे यू, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल D60 गेमिंग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपका प्यारा होस्ट एंड दोस्त असलूब खान, खान04 फ्रॉम D60 गेमिंग। सो गाइस, आज के ब्रांड न्यू फ्रेश वीडियो के साथ वापस। तो जय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सकुरा बंडल डेंसो शॉप में जो आया हुआ है उसको आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, उसके टोकन आप लोग कैसे ले सकते हो, उसी के साथ साथ अपकमिंग बंडल्स और अपकमिंग इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी गाइस, यहां पे आप लोग देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं डेंसो शॉप के अंदर। यहां पे आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर ने ये तो बता दिया होगा कि भाई ट्रेंड प्लस के अंदर जो डेंसो शॉप है उसमें आप लोगों को season 1 देखने को मिलेगा, उसके टोकन आएंगे, ये होगा वो होगा। बट मैंने सारी वीडियोस देखी, मुझे उसमें से किसी बंदे की भी एक वीडियो काम की नहीं लगी। देन मैंने खुद गेम में रिसर्च की और मुझे पता चला कि भाई साहब ये क्या चीज है। अब यहां पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने लैब सेक्शन में। यहां पे देखो भाई, हम लोग अपने ट्रेंड प्लस में आ चुके हैं। डेंसो शॉप जैसे ही हम लोग ओपन करेंगे, यहां पे आप लोगों को भाई 5 शॉप्स देखने को मिल रही हैं। 4th 1 हमारी डेंसो शॉप है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन करते हैं हम लोग एक एनिमेशन देखने को मिलती है सुमराई वाली। यहां पे अब हम लोग को डिफरेंट बंडल्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग को इंक्यूबेटर का टॉप वाला बंडल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ गाइस, आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो, टॉप जो है सुमराई वाला बंडल देखने को मिल रहा है, उसके साथ इंक्यूबेटर गोल्डन बॉडी वाला देखने को मिल रहा है। उसी के साथ भाई, ये न्यू 3 से 4 बंडल्स हैं जो हमारी गेम में अभी आने हैं, जिनका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ये ओनी वाले 2 बंडल्स पहले आके जा भी चुके हैं। उसी के साथ यहां पे आप लोग देख सकते हो सकुरा बंडल आप लोगों को यहां पे दिखाया जा रहा है। उसी के साथ साथ गाइस, आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो, आप लोगों को नीचे वाली साइड पे गोल्डन बॉडी देखने में नजर आ रही है। अब यहां पे देखो, इनके नीचे आप लोगों को टोकन कुछ बने हुए नजर आ रहे हैं, 50 टोकन, 60 टोकन। अब आप लोगों को काफी सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे हैं कि भाई सून आप लोग कुछ क्रेट्स देखने को मिलेंगे, उसमें से आपको 50 टोकन देखने को मिल सकते हैं और आप अपना बंडल क्लेम कर सकते हो। बट ऐसा कोई सीन नहीं है। जो हमारी लैब है जिसके अंदर ये शॉप्स हैं, इसके अंदर जो बंडल्स आते हैं वो बंडल्स हम लोग अलग इवेंट से निकालते हैं, और अगर हम वो इवेंट से बंडल निकाल लेते हैं तो हम लोग को ये टोकन्स मिलते हैं। मतलब इस बंडल को एक्सचेंज करने में जो है 75 टोकन मिलेंगे, और जैसे ये बैकपैक है इसको एक्सचेंज करूंगा तो मुझे 20 टोकन्स मिलेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो ये अच्छा, ये टोकन तो मिल गए, अब हम इन टोकन्स को किन चीज़ों के साथ एक्सचेंज करेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दो। दोबारा से अगर हम डेंसो शॉप के अंदर एंटर होते हैं तो लोअर कॉर्नर में देखो आप लोग को एक बैकपैक नजर आ रहा है, और यहाँ पर मैंने वो बैकपैक क्लेम कर लिया क्योंकि मेरे पास 185 पॉइंट्स थे। अब 185 पॉइंट आप लोगों को सोच रहे हो कहाँ से आएंगे, ये 300 पॉइंट मेरे पास तब कंप्लीट होंगे जब मैं ये बंडल्स क्लेम करूंगा और मेरे 300 टोकन हो जाएंगे और मुझे ये क्रेट मिल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो ये टोकन्स कहाँ से हैं, तो ये बंडल्स खरीदने से टोकन मिलते हैं और उसके थ्रू हम लोग रिवार्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। अब मैंने नीचे वाले 3 बंडल है, इनके आप लोग टोकन प्लस कर लो तो आप लोग को 185 ही बनेंगे, और यहाँ पर मैंने 185 टोकन से अपनी आइटम एक्सचेंज कर ली। यानी कि डेंसो शॉप के अंदर जो बंडल्स आए हैं उनका मतलब यह है कि आपको वो इवेंट में देखने को मिलते हैं बंडल, और जब वो आप लोग इवेंट से बंडल्स निकाल लेते हो तो उसके बदले में आपको वो टोकन मिल जाते हैं, जिन टोकन से आप लोग चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो हम लोग दूसरी शॉप्स में जाते हैं और वहां पर मैं आप लोग को दिखाता हूं। अब देखो, यहां पर जो न्यू शॉप आ रखी है उसमें मेरे पास 20 टोकन। अब आप ये देखो, नीचे मेरे पास ब्लैक और व्हाइट टी शर्ट है, उसके 10-10 टोकन मिले और मेरे पास 20 टोकन हो चुके हैं। होप ये चीज समझ में आई। अब हम लोग यहां पर चलते हैं हमारी अलग शॉप के अंदर, जो हमारी पोटेंशियल बुया शॉप थी। अब इसके अंदर देखो मेरे पास 2 बंडल्स है और इस बंडल्स के टोकन मेरे पास 200 कलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आप लोग देखो भाई, मैंने 200 बंडल से अपना जो है मार्क्स वगैरह इस तरह की चीजें क्लेम कर ली हैं। अब 200 टोकन मेरे पास यहाँ से आए, कुछ ये बंडल से मुझे टोकन मिले और कुछ मुझे मिले हैं दूसरे रिवार्ड से जो नीचे वाले सेक्शन में, जो कि देखो बाइक्स से और ये जो पिन वगैरह से हमें मिले हैं। इसी तरह का सीन है भाई, सिलेक्टेड में अगर आप लोग को मैं लेकर चला जाऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे भी कुछ रिवार्ड दिए जा रहे हैं जो मैंने बंडल्स खरीदे हैं, उनके बदले में मुझे टोकन मिल रहे हैं और उन टोकन से मैंने ये चीज क्लेम कर लिया। अब आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि ये जो हमारी लैब है इसके अंदर जो शॉप्स हैं वो क्या हैं और उनके टोकन किस लिए यूज होते हैं और हम लोग को कैसे मिलेंगे। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग इस चीज को लेके परेशान थे, और लिटरली मैं खुद भी कल की वीडियो में परेशान था कि यार ये टोकन कैसे मिलेंगे। फिर मैंने थोड़ी सी सर्च की और मुझे भाई सब कुछ भी समझ में नहीं आया। यूट्यूबर सभी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, बट हाँ किसी को भी नहीं पता था। और फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे पता चल गया कि भाई
ये डेंसो शॉप का सीन है। यहाँ पे देखो अब मेरे पास एंजेलिक के भी टोकन थे और मैंने यहाँ से रिवार्ड एक्सचेंज कर लिया, तो होप आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों को गेम के अंदर कोबरा बंडल रिटर्न में देखने को मिलने वाला है 100% कन्फर्म करता चलूँ पाकिस्तान सर में आप लोगों को आज रात या कल रात 12 बजे के बाद कोबरा बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ गाइस OP38 की अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है यार, क्योंकि यार OP38 की अपडेट के बाद मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है वो ग्लू वॉल वाला चेंज है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था चाहे हमारा नेट फास्ट हो या स्लो हो मगर हमारी ग्लू वॉल उसी टाइम पे लगेगी, और पहले जो नेट स्लो होने की वजह से हमारा करेक्टर टेलीपोर्ट होकर कभी इस जगह पहुंच जाता था उस जगह पहुंच जाता था, उस ग्लिच को भी ग्रीना फ्री फायर ने खत्म कर दिया, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसी के साथ डाइटी वार क्राई की हमारी न्यू गन की स्किन आ चुकी है गेम के अंदर, जिसके ऊपर हम लोग अपने डायमंड लगाने वाले। अभी आप लोग यहाँ पे देखो मेरे पास जो डायमंड है वो 176,639 डायमंड है, और उसके ऊपर मेरे काफ़ी ज़्यादा डायमंड वेस्ट हो गए 3 जो है हमारे टोकन निकालने के लिए। पहला टोकन तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा स्पिन्स के बाद मिलता है। वीडियो लंबी ना और आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वीडियो को जो है ना कट वगैरह कर दिया, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो थर्ड टोकन भी हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है फाइनली। और भाई अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरे कितने डायमंड वेस्ट हुए, आप लोग ऊपर डायमंड की अमाउंट आप चेक कर सकते हो कि भाई हमारे पास स्टार्ट पे कितने डायमंड थे और अब हमारे पास पीछे कितने डायमंड रहेंगे। तो पहले ये सारी आइटम को वॉल्ट में भेज देते हैं हम लोग, और हम लोग को स्कैनर मिरर यहाँ पे आप लोग मेरे देख सकते हो कितने डायमंड पीछे रह गए, तो कमेंट सेक्शन में बताना कितने डायमंड हमारे लगे। और यहाँ पे हम लोग फाइनली अपनी आइटम्स सभी के सभी आइटम्स को क्लेम कर लेते हैं। जर्सी हम लोग को यहाँ पे मिल चुकी है 2 टोकन्स पे, और उसी के साथ साथ गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग डबल रेट ऑफ फायर वाली अपनी गन की स्किन को क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वुड पैकर के हम लोगों ने अपनी गन की स्किन को क्लेम कर लिया जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है, और उसी के साथ साथ गाइस आप लोग इसको इन गेम लेके खेलोगे तो काफ़ी ज़्यादा ओपी हेडशॉट लगते हैं। आप लोग यहाँ पे देखो भाई ट्रेनिंग में आपका भाई क्या ही ओपी किस्म की हेडशॉट लगा रहा है इस गन के साथ। तो अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हो तो आप लोग की गेम के अंदर अवेलेबल है। उसी के साथ साथ भाई गेम के अंदर एक न्यू मैकेनिज्म भी ऐड हुआ है जो कि बेसिकली एक लूट एरिया बॉक्स है, तो आप लोग को मैप के ऊपर इसकी लोकेशन इस तरह से देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लूट एरिया सा बना हुआ है, और जब आप लोग इसके अंदर जाओगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ओपी लूट इसके अंदर से मिलेगी। मतलब आप लोग को यहाँ से टोकन्स मिल सकते हैं, गन की स्किन्स, मेडिकेट्स, वेस्ट, हेलमेट, आपकी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए आप लोग को भाई सब की चाहिए होगी जो कि आप लोग को मिलेगी 800 टोकन्स के अंदर वेंडिंग मशीन से। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ मतलब यार 800 डायमंड इकट्ठे करो, सॉरी 800 डायमंड बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग तो मुझे कत्ल कर दोगे। 800 टोकन इकट्ठे करो, की लो और वेंडिंग एरिया में जाओ, मतलब लूट एरिया में जाओ, अपनी पसंद की लूट उठाओ और बंदों को मारो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी। तो ये कुछ अपडेट्स थी और कुछ अपकमिंग इवेंट्स थे, और साथ साथ आप लोगों को मैंने डेंसो शॉप के बारे में बताना था आज की वीडियो में। होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ अगर यार चैनल पर न्यू और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। ओके, बाय बाय।